हमारा मुल्क अपनी तारीफ के उस मरहले पे खड़ा कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी उनके लिए जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े? नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं, बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है, उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया।